हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू ऑनलाइन मैथ्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ देखे थे अल्फा कट सेट पर, और उन प्रॉपर्टीज़ को एज अ थ्योरम हमने प्रूव करके दिखाया था, और बहुत सारे उस प्रकार से जो भी मिलते जुलते थ्योरम होंगे स्टूडेंट, उन सारे थ्योरम को आप सॉल्व कर सकते हो। उसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरम लेते हैं जो कि पूछा गया था 2014 में, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्सेप्ट को लेकर। आपका कॉन्सेप्ट बस तगड़ा होना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। जैसे कि इसका चर्चा करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ईजी लगेगा, अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं तो छोड़ दूंगा तो आपको लगेगा अरे ये कठिन है करके। लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है, आप कितनी अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हो, ये है स्टूडेंट्स। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर, देखते हैं क्या बोलता है। आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? फजी सेट AI है। AI मतलब क्या, कहने का मतलब आर्बिट्ररी कलेक्शंस है ये। आई कहने का मतलब क्या होता है, आर्बिट्ररी जो आई होता है वो इंडेक्स सेट पर होता है। इंडेक्स सेट को कभी कभी इस प्रकार से भी शो किया जाता है ना। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम आर्बिट्ररी की बात करें, मतलब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 A1 A2 A3 A4, आप अपने स्वेच्छानुसार से इसको आप सेलेक्ट करते हो, इसलिए तो इसको आर्बिट्ररी कहते हैं, है ना। आपके इच्छाओं पर डिपेंड करता है ये। तो ऐसे कलेक्शंस हैं किसके, फजी सेट्स के। कहाँ पर? ये होल कलेक्शन ऑफ फजी सेट ऑन एक्स पर। तो इससे हम बहुत सारे फजी सेट ले सकते हैं, वो A1 है, A2 है, A3 है, मान के चलिए बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, फजी सेट में हम कलेक्शन लिए हैं AI, है ना, आर्बिट्ररी कलेक्शन, उसकी अल्फा कट सेट, और वो सारे जो भी मिलेंगे A1 A2 A3, उनका यूनियन किसका सबसेट होता है बोल रहा है। पहले फजी सेट लीजिए, पहले उनका यूनियन कीजिए, फिर बाद में क्या कीजिए, उसका ऊपर में अल्फा कट सेट निकालिए, है ना। तो दोनों क्या होते हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये सबसेट होता है, इसका बोल रहा है। तो आपको समझना है, यहाँ पर क्या करना है, अल्फा कट निकालना है, यहाँ पर भी अल्फा कट निकालना है, लेकिन इसमें क्या, इसमें पहले अल्फा कट निकाल के यूनियन करना है, और इसमें क्या करना है, आपको पहले यूनियन करना है A1 A2 A3 समथिंग जो भी आएगा, और उसके बाद इनका क्या करना है, बाद में अल्फा कट निकालना है। तो ये वाला सबसेट होता है इसका, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो प्रूफ में हम क्या कहते हैं, प्रूफ में हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोई एलिमेंट ले ले हैं आर्बिट्री एलिमेंट, और आर्बिट्री एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मैं मान लेता हूँ कि इस यूनियन के पास, कौन से यूनियन, अल्फा कट सेट्स के यूनियन, उन पर कोई एलिमेंट एक्स है। तो कोई भी इस प्रकार से एक से अगर कहीं पे बिलोंग करता है, तो उस पूरे सेट को हम क्या करते हैं, अल्फा कट सेट कहते हैं। मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल दिया, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ AI वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स फॉर इंडेक्स आई। ये मैं एक कंडीशन नंबर फर्स्ट मान के चला, जो पहले था उसको मैंने एक कंडीशन मान लिया है, पहला मैंने एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, इफ ओनली इफ फॉर एनी अदर इंडेक्स आई नोट, एक और रेफरेंस ले लिया, एक और इंडेक्स ले लिया, मान के चला कि ये आई नोट कोई इंडेक्स है, वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी आपका क्या है, एक एक्स एलिमेंट है, जो कि इस प्रकार से वहाँ पर AI नॉट पर बिलोंग करता है, उसके अल्फा कट सेट पर। ये कोई होगा आर्बिट्ररी, और ये उन आर्बिट्ररी के सारे का कलेक्शंस, ये एकलौता है समझो, मान के चलो। और ये क्या है, वो सारे जो भी मिलेंगे उनका यूनियन है। ओके, दैट्स इट। ये क्या है आपका स्टूडेंट, AIX इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट सेट। अगर इस इंडेक्स के लिए, AI नोट के लिए हम कोई एलिमेंट देते हैं X जो कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा कट सेट पर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से बाय डेफिनेशन हम अल्फा कट सेट, इस प्रकार से हम उसको शो कर देते हैं। यहाँ तक तो हर किसी को समझ आया होगा। तो दिस इनइक्वलिटी इज होल्ड इफ ओनली इफ, ये क्या है, अगर हम कोई इंडेक्स आर्बिट्ररी AI नॉट X को ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा मानते हैं, तो क्या जो सारे कलेक्शंस मिलेंगी उसकी वहाँ पे सुप्रीमम भी सेलेक्ट कर लिया जाए, बड़ा से बड़ा कुछ भी सेलेक्ट कर लो, उसके लिए भी क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? अगर होगा तो भी क्या है, तभी ये इसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड होगा। समझ आ रहा है? मतलब आप क्या कीजिएगा, सुप्रीमम AIX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ आया? यहाँ पर नॉट छोड़ के मैं क्या कर दिया हूँ, पूरा इंडेक्स को ले लिया हूँ, पूरा आपका जो भी है सारे चीज़ को यहाँ पर समेट लिया गया है, तो इसलिए मैंने सुप्रीम में बता दिया। यहाँ पर कोई एक सिंगल था, यहाँ पर होल है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप कभी भी सुप्रीमम की बात करते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर एक एलिमेंट है क्या,
नहीं, यहाँ पर कोई फर्जी सेट के एक एलिमेंट ना होकर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसको मेंबरशिप मान के चलूँ तो क्या है, A1X मेंबरशिप, A2X मेंबरशिप, A3X मेंबरशिप, इस प्रकार से बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको, मेंबरशिप वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर उस मेंबरशिप वैल्यू से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम चूज करते हैं या सुप्रीमम, तो उसी को क्या कहते हैं, इनके बीच का यूनियन। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अंदर में जो भी एलिमेंट्स होंगी उनकी यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख देना क्या, यूनियन ऑफ AIX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अब ये क्या बताता है आपको, अगर कोई भी इस प्रकार से कंडीशन आपको मिलता है तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं एक्स, सो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपका जो एलिमेंट एक्स है वो कहाँ पर बिलोंग करेंगे, ये पूरे इसके अल्फा कट सेट पर। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, AI≠X ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है, तो किस लिए है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ये इसके अल्फा कट सेट पर है, इसलिए। तो इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, इसका अल्फा कट सेट बनाएगा, है ना। तो हम बोल देते हैं क्या, ये अल्फा कट सेट किसका, यूनियन ऑफ AI≠X का। समझ आया, ये कंडीशन नंबर टू आपको दिखाई दिया। फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड आपको क्या करना है, आप लिख दीजिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो एक्स है इसके पास भी मौजूद है और ये एक्स इसके पास भी मौजूद है। अगर कोई एलिमेंट दो सेट पर कंटेन करता हो तो हम क्या कहते हैं, वो सेट को एक दूसरे का सबसेट कहते हैं, है ना। तो इसमें से कोई हो सकता है कि ये क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो मैं मान लेता हूँ क्या, आप जानते हो जो भी इधर का सुप्रीमम वाला, जहाँ पर हम सुप्रीमम वैल्यू पूरा लेते हैं वो मैक्सिमम सेट होता है, वो हमेशा उधर बड़ा रहता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपको क्या पता चला, यूनियन ऑफ ए अल्फा कट सेट फॉर इंडेक्स आई बिलोंग्स टू आई इज अ सबसेट ऑफ अल्फा कट सेट ऑफ यूनियन ऑफ AI। इस प्रकार से AI X रख सकते हो यहाँ पर, है ना, और ना रखो तो भी ठीक है। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। अगर आपका शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से इसको शो करके दिखाना है। अब बात आ जाती है, अगर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ दिया तो इसको और कैसे शो करके दिखाओगे। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर बता दिया तो मैं बताऊंगा कि ये ओनली सबसेट है, इक्वल तो होगा नहीं करके, दोनों इक्वल नहीं हो सकते कभी, ऐसा हम बात करेंगे। तो वो नॉट इक्वल टू जो केस होगा उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। अदरवाइज अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रूफ जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था लॉन्ग आंसर के लिए, तो स्टूडेंट्स इसको स्टेप नंबर टू मान के रखिए दिमाग में, है ना, मैंने बता दिया यहाँ पर टू लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या शो करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है करके, ये जो साइड है ये साइड है दोनों इक्वल नहीं है, ये शो करना है। क्या है, ओनली सबसेट है वाला केस आपको शो करना था, तो हमने इसको बता दिया था। लेकिन इसको और वेरीफाई करना है तो मैं बताऊँगा कि ये इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। तो इसके लिए मैंने इस प्रकार से बता दिया है कि मेरे को ये शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, मैंने लिख दिया। फॉर दिस वी कैन टेक अ एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, जो आपका आर्बिट्री जो सेट्स हैं फजी सेट्स, उसको मैं कुछ सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं A=, यहाँ पर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, A=, अब मैंने एक फजी सेट ले लिया AI=1-1/i, ठीक है, वेयर आल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर लिया, चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो देखिएगा ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये फजी सेट्स, इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, AI जो फजी सेट है वो क्या है आपका, 1-1/i, ये लेस देन 1 है क्या, बिल्कुल 1 है। कैसे, क्योंकि ये 1 में आप कुछ ना कुछ घटा रहे हो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे i का, कुछ वैल्यू पुट करते चले जाओगे, कुछ कुछ घटाओगे यहाँ से, तो 1 से कुछ वहाँ से बाहर निकाल देने पर जो भी बचेगा ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से क्या होगा, लेस देन होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, लेस देन 1 कर दिया। ओके, मैं मान लेता हूँ α=1 ऐसा लिया जा सकता है, क्योंकि अल्फा जो होता है हमेशा 0 से 1 के इंटरवल में रहता है, तो मैं 1 भी ले सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसका अल्फा कट सेट निकालूंगा तो क्या आएगा, चेक करते हैं। AI इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, अल्फा कट सेट निकाल रहा हूँ, 1, यहाँ पर अल्फा की जगह 1 पुट कर दिया, जैसे कि आपका यहाँ पर होता था ना, मैं क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, 1-1/i। ये जो अल्फा कट सेट हम निकालेंगे, ये अल्फा सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, चेक कीजिएगा इस बात को, क्या मिलेगा आपको अल्फा कट सेट,
जो भी मिलेगा वो 5 मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हो ये लेस देन 1 है, और आप जानते हो मतलब ये अल्फा 1 है, 1 से सारे चीज़ छोटे हैं, तो ये कोई सेट बनाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अल्फा कट सेट का डेफिनेशन कहता है कि अल्फा से बड़े और अल्फा के बराबर जो भी वैल्यू आएंगी वही अल्फा कट सेट में, अल्फा कट सेट में जा सकती है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट? 5 होगा, क्योंकि हमने अल्फा का वैल्यू 1 रख लिया है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है तो सबके सब लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 वाला केस में क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 5 मिलेगा, हमने लिख दिया 5। तो इसका यूनियन भी कर दिया जाए, यूनियन ऑफ ए अल्फा आई, तो ये भी क्या होगा? इसका यूनियन भी हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 होगा, क्योंकि यूनियन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमने लिख दिया, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आप दिमाग में रखिए यहाँ के लिए, है ना। यहाँ पर 1 2 दिया हूँ, तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ये कंडीशन नंबर 3 आप दिमाग में रखिए। ओके, यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बट स्टूडेंट वी नो दैट अगर कोई सेट है, उस फजी सेट को आप आर्बिट्ररी यूनियन करते चले जाओ तो क्या होता है? जब सेट को यूनियन करते जाते हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट मिलता है। जैसे कि नेचुरल नंबर को आप कोई सेट ले लिए है छोटा सा, आप उसके बाद उसमें आप चीज़ों को यूनियन करते जा रहे हो तो उसका आपका क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये और ये जमीन आसमान का अंतर यहाँ पर ना, ये आपका अल्फा सेट का यूनियन है, ये आपका फजी सेट का यूनियन है। तो इस फजी सेट का यूनियन क्या आएगा स्टूडेंट्स? इस फजी सेट का यूनियन इस फजी सेट का यूनियन क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए इस फजी सेट का यूनियन जो है 1-1 अपॉन जो आई है ना, ये ए का वैल्यू है, ए आई का, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमेशा एक से आएगा क्या? तो देन क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगर मैं इसका अल्फा कट सेट निकालूं, किसके रिस्पेक्ट में? 1-1 कर दिया हूं मैं, यूनियन ऑफ ए आई का अल्फा कट सेट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? चेक करके देख सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे 1-1 अपॉन आई, ये इसका अल्फा कट सेट भी क्या आएगा? एक्स आएगा, है ना, एक्स आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर? यह बोल रहा हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो अल्फा कट सेट निकलने वाला है किसके लिए? ए आई के लिए, पूरे यूनियन ऑफ ए आई का, ये जो पूरे का हमने क्या निकाल दिया? अल्फा कट सेट निकाला, इसको मान के चलिए ना, ये आपका ए आई है ना, और अल्फा का वैल्यू क्या है? आपका 1 लिए हैं। तो ये जो मिला है वो क्या मिल रहा है? एक से मिल रहा है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। तो चेक करके देखिए आपका इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको यही तो प्रूव करना था, दोनों इक्वल नहीं है करके। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूनियन ऑफ ए आई है ना, इसका अल्फा कट सेट निकाल रहे हैं सारे का यूनियन कर रहे हैं, वो नॉट इक्वल टू है किसका? अल्फा कट सेट यूनियन ऑफ ए आई, है ना, ए आई का, इस प्रकार से ये हमको शो करके दिखाना था, है ना। लास्ट टर्म स्टेटमेंट को आपको फिर से दोहरा देना है स्टूडेंट, जब भी आप थ्योरम लिखते हो तो लास्ट टर्म स्टेटमेंट आपको दोहराना है। तो ये लॉन्ग आंसर के लिए आपका बन गया स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 जो कि 2013 और 2014 में पूछा गया था। ये क्या कहता है? एक फजी सेट ए है और उस फजी सेट के लिए आप ये प्रॉपर्टी शो करके दिखाइए। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है, अगर कहीं पे प्रॉपर्टी की बात किया मतलब वो प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। थ्योरम ये क्या है? स्वयं में एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ काम आएगा। तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वी हैव टू शो दैट जो आपका थ्योरम था ऐसे लिख दिया। आप हमेशा ऐसे लिखिएगा, जो भी दिया गया रहता है उसको आप दोबारा लिख के बताइए कि वी हैव टू शो दैट हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार से इसको शो करना चाहते हैं। सिंस बीटा इज लेस देन अल्फा, तो इससे आपको पता चलेगा दिस इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स, ये बीटा वाला छोटा है और अल्फा वाला बड़ा है। तो जो जितना छोटा होता है ये वैल्यू, उससे जो बनने वाला अल्फा कट सेट होता है उतना ही बड़ा होता है। मैं क्या बताया था, जो छोटा होगा, मान लो बीटा यहाँ पे है, अल्फा यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करेगा? आपका जो छोटा वाला रहेगा। मतलब हम यहाँ पर अल्फा कट सेट बनाएंगे, मान लो ए का अल्फा कट सेट बना दिया ए अल्फा, वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए बीटा का, क्योंकि बीटा छोटा है, जो छोटा होगा वो बड़ा एरिया कवर करेगा, इसलिए आपका क्या होगा, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इंप्लाइज दैट आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस वाले एरिया पे अगर आप इंटरसेक्शन भी करते हो तो इंटरसेक्शन भी करोगे तो भी ये वाला एरिया बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था कि बीटा आपका छोटा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, अल्फा आपका क्या है, बड़ा है, मतलब कम एरिया कवर करेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए इसका जो अल्फा कट सेट होगा वो फिर से सबसेट होगा किसका? इंटरसेक्शन ऑफ ए बीटा सेट का, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बीटा, और यहाँ पर बताइए कि बीटा इज़ लेस देन अल्फा, इसलिए,
है ना। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स, कहाँ से आया है, यहीं से आ गया है, आपको भूलना नहीं है। हमने इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। किस स्थिति में किया उस इंटरसेक्शन को, जब बीटा लेस देन आपका अल्फा था उस स्थिति में किया। मान के चलिए आपका पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका जो चीज़ क्या था, ये बड़ा था, इसमें कुछ घटाऊंगा तो मान लेता हूँ कि वो बीटा के बराबर आ जाएगा, तो वो वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, ऐसा मैंने कंसिडर किया हुआ है। घटाने पर बीटा आएगा मान के चलूँगा मैं, है ना। तो या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं नहीं घटाऊंगा, मान लो ये जीरो है, क्या अगर जीरो है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर बता दीजिएगा एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, सॉरी जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। मतलब ये कंडीशन होने पर आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, जब भी ये कंडीशन होता है, दिस इंप्लाइज दैट आपको पता होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा, ए अल्फा कट सेट पर जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। बट वी नो दैट एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए बीटा सेट वेयर बीटा इज लेस देन अल्फा। इस पर भी होगा क्योंकि हमने पहले ही इसको पहले से बता रखा था, कहाँ पर, इस प्रकार से हम जब बता रहे थे ना, तो इसके पास क्या है, एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर हम बता चुके हैं, है ना, तो ये इसके पास भी एक्स एलिमेंट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसके पास भी एक्स एलिमेंट है, इसके पास भी वही एक्स एलिमेंट है, सो दैट इज़ हम क्या बता सकते हैं, दैट इज़ ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन बीटा, आपका इस प्रकार से बीटा इज लेस देन अल्फा इज सबसेट ऑफ ए अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बताया, यहाँ से आपको ये मिल गया, ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से आपको क्या पता चला, है ना, एक बार ये सुपरसेट बन गया, एक बार सबसेट बन गया, है ना, ये एक बार ये सुपरसेट बना है, यहाँ पर ये सबसेट बन गया। इस प्रकार से जब भी होता है तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए अल्फा कट सेट जो है वो क्या है, इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, इंटरसेक्शन ऑफ ये आपका जो हमने बीटा कट सेट बनाया हुआ है, जहाँ पर बीटा लेस देन अल्फा है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से और आप शो कर सकते हो, ए अल्फा का जो आपका सेट मिलेगा इंटरसेक्शन, इसके जो स्ट्रॉन्ग कट सेट जो मिलेगा उसके लिए भी आपका बीटा इज लेस देन अल्फा के लिए ये भी सेटिस्फाई होगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फोर। सो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फोर आपको क्या पता चला, इक्वेशन नंबर फोर से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो आपस में सारे चीज बराबर हैं, क्या ए का अल्फा कट सेट इक्वल है किसके, इंटरसेक्शन बी के बीटा सेट, जो कि बीटा क्या है, लेस देन है अल्फा से, ये किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ये स्ट्रॉन्ग बीटा सेट, है ना, स्ट्रॉन्ग बीटा सेट जहाँ पर बीटा लेस देन अल्फा है उसके लिए। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, बहुत ईजी था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो समझना आए तो बिल्कुल रिपीट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे जो नंबर हैं उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंट जो भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।